हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए हैं श्री गोट फार्म में, जिनके ओनर का नाम है दीपक भाई। मिलेंगे दीपक भाई से और बातचीत करेंगे हम, उसका दिखाने वाले वो क्या नई जानकारी देने वाले। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार। नमस्कार। आज हम इसका दिखाने वाले हो सिरोही और अजमेरी की प्रेग्नेंट बकरियां हैं और बच्चे भी है। सिरोही और अजमेरी, अजमेरी की आपके पास प्रेग्नेंट बकरियां हैं। प्रेग्नेंट बकरियां और उसके बच्चे, उसके छह बच्चे। तो जैसे कि आपके पास अभी बच्चे वाली बकरी और प्रेग्नेंट बकरियां भी अवेलेबल है, तो इसको किस किस टाइप के महीने की प्रेग्नेंट होगी और क्या उम्र होगी बकरियों की? ये बकरियाँ 6 दांत 8 दांत हैं। अच्छा। हाँ। तो ये बकरियाँ दूसरी या तीसरी बार की भी आती है। दूसरी या तीसरी एक ही बकरी तीसरी भी आती है, बाकी सारी बकरियाँ दूसरी भी आती है। अच्छा। तो जैसे कि आपके पास ये माल अभी अवेलेबल है कि सेल आउट हो चुका है? सेल आउट हो चुका है। कस्टमर के ऑर्डर से माल आता है, ये सारा माल देख रहे हो ना। ये सारे कस्टमर के ऑर्डर ही है। तो सुनने में आया है कि दीपक भाई कि आपके पास 120 किलो की बकरी अभी अवेलेबल है। हाँ, अवेलेबल है ना, 4 बकरियां देखो। अच्छा, वो वाले वाड़े में ना। हाँ। चलो कोई बात नहीं, आपको रायगढ़ माल जाएगा। अगर किसी भाई को, अगर दोनों वाड़े में जो माल है ना, रायगढ़ जाएगा। अगर किसी भाई को 120 किलो वाली बकरी देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करिए और सेवजन को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप तक ये वाली वीडियो की जानकारी जरूर मिल जाएगी। 120 किलो ये वाली बकरी देखने को मिल जाएगी। तो अभी अभी दिया हुआ है। अच्छा, तो अभी इसकी बात करते, तो ये माल कैसे दिया हुआ है? पट्टी से दिया हुआ है। पट्टी से दिया हुआ है। और आप अधिकतर माल आप डील पट्टी में करते हैं? ज्यादातर पट्टी में, इसलिए क्योंकि वो कस्टमर बोलता है गुड़ का पानी सब कुछ, वो सब कुछ ये सब लफड़ा खत्म हो जाता है। अच्छा। आप पट्टी से दे दिया, उसको जितना खिलाना चाहो खिलाओ। तो आज अपन बात करेंगे पट्टी की, ठीक है? अब पट्टी से किस हिसाब से, अगर मान लो किसी भाई को लेनी है, तो ये ऐसी बकरियां किस हिसाब से दे दोगे? 11 बकरी है और 6 बच्चे हैं। 11 बकरी 6 बच्चे हैं। अगर ऐसी बच्चे वाली और प्रेग्नेंट बकरी लेनी हो, बच्चे वाली बच्चे का पैसा अलग लगता ही लगता है। उसके अंदर 11 बकरी का पैसा अलग लगा है, बच्चे का पैसा अलग लगा है। अच्छा, तो अगर ऐसी लॉट लेना हो, 15 दिन के बच्चे रहते हैं तो वो बकरी के साथ गिन लेते हैं। लेकिन ये तो 4-4 महीने के बच्चे हैं। ये कितने नंग का लॉट होगा? ये 17 नंग का लॉट है। 17 नंग का लॉट है। अगर मान लो ऐसे कोई 20 नंग का लॉट बनाना चाहता है, 10 नंग का लॉट बनाना चाहता है, तो बन जाएगा ना? तो क्या रेट से देते हो? वो तो बकरी कौन सी, कैसी बकरी? मान लो ऐसी बकरी लेता है पूरी, ये जो भी बकरी लेता है, तो 19,000 का लॉट है। 19,000 का लॉट है, एकदम हाई लाइन स्टैंडर्ड टेक्सचर वाली बकरी। बच्चे का अलग है। अच्छा अच्छा, यानी बच्चे का सही, अगर मान लो कोई लेता है तो 6,000 रुपये। 6,000 बकरी का हो, बच्चे का मतलब 6 बच्चे हैं उसके, 6,000 के, यानी कि वो कम्प्लीट पड़ेगा 26-27,000 तक। नहीं, टोटल 26-27,000 थोड़ा हो गया। अब 18,000 की बकरी गिन लो जी, और 6,000 का 24,000 थोड़े गिने जाते हैं इसमें। बकरी बकरी बच्चे 11 थोड़े हैं, बच्चे तो 6 ही है। अच्छा अच्छा, यानी वो पट्टी बनाते हैं और आप उसे आपसे सेल आउट करते हैं, वो आपके ऊपर है, वो इतना मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन बच्चे 11 हो तो 24,000 हो जाए। चलो अच्छी बात है। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए, आज के इस फ्रॉडिंग के जमाने में, तो अगर किसी को लेना है तो सबसे बेस्ट आपके मान तो पट्टी या किलो? पट्टी किलो दोनों एक ही है। मान लो आपको पता नहीं, हमको तो पता है कि बकरी 70 किलो की है। सही बात है। नहीं, अगर जैसे कि कहा जाता है कि कोई नया फार्म स्टार्ट करता है, बराबर है, अब कस्टमर को नहीं पता रहता, पट्टी से लेना। सही बात है। अगर सबसे बेस्ट है पट्टी है, और मान लीजिए खिलाने का झंझट चला जाएगा, सब कुछ झंझट। अभी बकरे वजन कर दिए, वजन तो नहीं, पट्टी से बाद रेट कम्प्लीट बकरी उसे सिलेक्ट कर लिए, अब बकरी खा रहे हैं मस्त, पानी पियेंगे जितना खाना है खाए, पानी पीना है पानी पिए। सही बात है, कोई झंझट तो नहीं ना? कोई झंझट नहीं। पर मान लीजिए कोई घुमा फिरा के अपन बात करते हैं कि किलो और पट्टी, तो रेट तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सेम ही आता होगा। सेम ही कोई ज्यादा फर्क, 200 का फर्क पड़ता है। वो तो चलो, हर एक आदमी धंधा कर रहा तो उतना तो हक बनता है उसका भी। लेकिन सबसे बेस्ट रहता है मेरे ख्याल से पट्टी, किसी को धोखाधड़ी नहीं होगी, विश्वास पूरा बना रहेगा, पूरा विश्वास बना रहता है। सही बात है। और वहाँ जाके फिर मान लो किलो का ले लिया, 40 किलो खा पी लिया होगा, तो 3-4 किलो लॉस हो जाएगा। नहीं, 40 किलो का बच्चा है तो 6 किलो लॉस होगा। अच्छा, तो वो तो उनका लॉस से वो दिखेगा। हाँ, वो लॉस दिखता है, पट्टी से लिया दिखेगा नहीं। और आपने पट्टी का टारगेट भी पता रहेगा कि मैंने इतने में ली, मेरे को आगे इतने बेचनी है, भाई बात ही खत्म। अगला बार हमारा मुनाफा ज्यादा नहीं रहता, 500 रुपये मिल गया बड़ी बकरी पे तो बहुत होता है।
लेकिन इस मामले में नक के हिसाब से समझाना लोगों को आसान रहता है। आसान क्योंकि भाई मान लो कोई खरीद के ला रहे हो आप, उसको नक के हिसाब से समझाना आसान रहेगा कि भाई हमको इतना मिला, इतने खरीद लिया, ये देख लो भैया आगे। हाँ सीधी सी बात है, चलो बहुत अच्छी बात होती है। तो जैसे कि कोई पट भी है, पट पहली बार की पट। अच्छा पट भी है, यानी कि वो तो आपके पास लॉट में आता होगा। नहीं नहीं, वो तो किसान जैसे मांगता है, जब कस्टमर जैसे मांगता है वैसा लॉट बनता है। अब ये बात ही पूछनी थी, कस्टमर ने लॉट मांगा है रायगढ़ वाले ने, लेंथ वाली बकरी मांगी, 32-32 की बकरी है। अच्छा अच्छा, यानी कि ये बात ही जरूर पूछनी है। तो आप पट्टी पट्टी करते हैं, तो पट्टी के साथ में बकरिया अगर सामने वाला मांगेगा वही चीज मिलेगी क्या? वही चीज मिलेगी। अच्छा, उसमें भी सिलेक्शन कर सकते हैं, उसमें सिलेक्शन हो सकता है ना। चलो बहुत अच्छी, भारी माल में हो सकता है, यानी पट्टी यानी कि एक ही रेट होता होगा सबका, एक ही रेट, भारी भी है जाए हल्की भी, लेकिन पट्टी नहीं आएगी। अगर पट्टे मांग रहा है तो पट्टे का रेट होगा, बकरी मांगे तो बकरी का रेट, जो मांगेगा वो उसके हिसाब से, और उसको हल्की लगेगी तो निकाल भी सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। मतलब कि नक से ले, सुखी जीवन जिए, शांति काम रखे, बाकी खत्म। बाकी एक बात बताइए कि नया फार्म स्टार्ट करता है, अब नए फार्म वाले की स्टार्ट की बात करते, को नया फार्म स्टार्ट करता है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे शुरुआत करनी चाहिए? एक्चुअली शुरुआत वो एक्चुअली बकरा लाइन है ना, बकरी पालन शॉर्टकट है पैसा कमाने का। अब उसमें भी कस्टमर शॉर्टकट ढूंढता है, वो गलत है। उसके नियम के हिसाब से, प्राकृतिक जो नियम बने हैं उसके हिसाब से चले तो दो पैसा कमाएगा। सही बात है, बहुत सही बात होती है। अब उसके अंदर भी शॉर्टकट ढूंढ के मैं ये कर लूँ कागज पे सब कुछ रह जाता है, फिर लॉस करके बंद कर देता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। खुद का ब्रीडिंग सेटअप बनाओ, और क्या वजन की बकरी लेनी चाहिए? बेस्ट यही तरीका है। अच्छा, खुद का ब्रीडिंग सेटअप तैयार करो और पैसा कमाओ, और वो प्रेग्नेंट बकरी से ही करो। सही बात है। मान लो खाली बकरी निकल गई तो आपका प्रॉब्लम है। सही, मान लो दूसरी तीसरी बार की है खाली निकल गई तो वो तो बच्चे एक बार दे चुकी है तो दोबारा बच्चे देने ही वाली है। सही बात है, बकरा क्रॉसिंग करवा दोगे तो काम हो जाएगा। सही बात है, चलिए अच्छी बात है। तो इन शॉर्ट आपका कहने का मतलब ये है कि बकरिया लो, और गाबन बकरी लो, दूसरी बार की प्रेग्नेंट बकरी लो, अभी दूसरी बार की प्रेग्नेंट बकरी मान लो खाली निकल गई, उसमें किसी का दोस्त तो नहीं ना। सही बात है, बकरी बकरा लेके जा रहे हो, क्रॉस कर ली, 5 महीना बच्चा लेट मिलेगा। और इसमें वैक्सीन की कैसे क्या प्रोसेस रहती है? नहीं, वैक्सीन निकल जाती है, वैक्सीन कंप्लीट रहता है। वैक्सीन कंप्लीट रहता है, हमारे राजस्थान में सबसे अच्छी 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 चीज यही है कि डॉक्टर घर घर जाके वैक्सीन करता है, यानी कोई भी किसान से लाते तो वैक्सीनेटेड ही माल आता है। सही बात है, चलो अच्छी बात है। और बकरी पालन के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सजाग रहती है, यानी प्रोत्साहन भी देती है, और आपको मेडिसिन के लिए प्रॉपर भी करती है, डॉक्टर खुद घर पे जाता है, और किसी को मान लो मेडिसिन की जानकारी लेना तो आपके पास ले सकता है। ले सकता है ना। अच्छा, और किसी को दवाई वगैरह भी चाहिए तो यहाँ से प्रोवाइड करवा देते हैं। अब ये बकरी लेके जा रहा है 51 पीस लेके जा रहा है जी, बराबर उसको 27,000 की दवाई हमने उसको प्रोवाइड करनी जरूरी है ना। अगर मान लीजिए कल जब प्यास लगी तब कुआ खोदने का क्या मतलब है? आपके पास प्रॉपर प्रिपरेशन तो होना ही चाहिए माल। सही बात है, जैसे जैसे जितने का माल लेके जा रहे हो उतने हिसाब से दवाई होनी चाहिए आपके फार्म। ऐसा नहीं कि आपको 27,000 की लेनी है, आपका 100 अंगों का तो उससे ज्यादा की लगेगी, उसकी ज्यादा की लगेगी, 10 अंगों का तो 10 अंग कम लगेगी। कम लगेगी, सही बात है, लेकिन रिक्वायरमेंट नक के हिसाब से रहती है। चलो अच्छी बात है। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपके पास? पूरा इंडिया में अवेलेबल है, पूरा इंडिया में अवेलेबल है, कहीं पे भी पहुंचाओ, कहीं भी, यूपी जा रहा है, आगे महाराष्ट्र जा रहा है, अगला ऑर्डर होली के बाद देखोगे तो उड़ीसा का माल इकट्ठा होता होगा। सही बात है, और इसकी इनकी तो स्ट्रक्चर वाली बकरी आने वाली है। हाँ, उसकी तो चार नंग, तो स्ट्रक्चर तो मैंने देख लिया, 35-35 के ऊपर ही जा रही है बकरी, 35,000 के ऊपर की बकरी दी हुई कस्टमर को। अच्छा अच्छा, और 35,000 की डिमांड करके गया। यहाँ बकरी पालन के लिए सबसे ज्यादा समुदाय है गुज्जर समुदाय राजस्थान के अंदर। अगर वो इतना रेट लगा सकते हैं, वो 35,000 लगा के गया, वो इतना रेट लगा सकते हैं, यानी कि बकरी की वैल्यू है। बिल्कुल, 35,000 मैंने कस्टमर को दिए, गुज्जर लगा के गया, उससे भी 3,000 कम में दिए। तो ये वीडियो अगर देख रहे जियो भाई भी, तो इस नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिए। जबान कस्टमर से हो गई तो उसके बाद हम बकरी सेल आउट भी नहीं करते, 40,000 दे दे तो भी सेल आउट नहीं करते। वो तो जेन्युइनिटी आपकी, बिल्कुल जेन्युइनिटी है। तो आपको मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ, दीपक भाई का कहना ये है कि बकरी प्रेग्नेंट बकरी लीजिए, प्रेग्नेंट बकरी लेने के बाद ये लेने का तरीका ही बता देता हूँ, किलो से ना सही नक से लीजिए,
लेकिन आप सावधान रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात है कि अच्छी लंबी चौड़ी बकरी देखिए, पैसे मत देखिए उस टाइम के, स्ट्रक्चर देखिए। लंबी चौड़ी है ये, सबसे अच्छा लंबी चौड़ी माना जाता है। ये देख लो, फिर ये बकरी का देख लो, ये बकरी का लंबी चौड़ी देख लो, ये औसतन अच्छी अच्छी मानी जाती है, औसतन अच्छी मानी जाती है, औसतन अच्छी मानी जाती है। वो हाई लेंथ में गए हैं 32,000 वाली, वो अलग मैटर। नहीं उसकी बात नहीं कर रहे अपन, एक हैवी मीडियम साइज की फार्म जो मान लो ये बकरी है, ये रेड कलर की बकरी है, रेड कलर की बकरी है, औसतन हाइट है, लंबी चौड़ी बकरी, लंबी चौड़ी है। उसका बच्चा कम से कम गिरी से गिरा 4 किलो का कहीं नहीं जाएगा। अच्छा अच्छा, और दो दो बच्चे देती है? दो दो बच्चे देती है। चलो अच्छी बात है। अभी बकरी का बच्चा 7-8 किलो निकल गया, बात की मैटर है। अरे वो तो 35,000 की बकरी है, 120 किलो वाली बकरी है, चौड़ी है ना, गर्भाश से कितना बड़ा है, लंबी हाइट तक का हिसाब से बच्चा देगी, वो अलग बात है। वो अपन नेक्स्ट स्टूडियो में जरूर बताएंगे, नेक्स्ट स्टूडियो में पूरा लोट बताएंगे। बिल्कुल बकरी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपन सबको बताएंगे नेक्स्ट स्टूडियो में, पूरा लोट बताएंगे उनको कि किस हिसाब से लोट बनता है। और ऐसा लॉट जान देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि आप तक जानकारी ऐसी लाते रहेंगे। तेती कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ऑनर के बारे में, तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं किस टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।